नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक और वीडियो आज लेके आ रहा हूं जिसमें आज हम फुल फंक्शनैलिटी रिव्यू करेंगे इस माइक का। ये जो माइक आप देख रहे हो, इसका हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे क्या है और इसका यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फिर इसमें क्या क्या मिलता है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सिंपल सा पैकेज है और इसमें ये देखिए कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन मिलता है और इसमें दो माइक हैं। अभी आपको फुल डिटेल वीडियो आपको इसमें मिलेगा, बस आप वीडियो में इस तरह बने रहिए और मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूं अपने इस चैनल पे। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस माइक का रिव्यू और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं वो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। ठीक है, अगर आप एक सिंगर हैं या फिर म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, ठीक है, या फिर आपके रिपोर्टर हैं, सिटीजन रिपोर्टर हैं, अपने सिटी में न्यूज़ कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ होगा, कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, मैं बिना किसी देरी के आपको लेके चलता हूँ इस माइक के कंप्लीट फंक्शनैलिटी एंड रिव्यू पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये होने वाला है एक बहुत स्पेशल माइक। और सबसे पहले तो आप इसके डिटेल्स देख लीजिए। ये एस कंपनी है, ईस्टर फुल फॉर्म है इसकी, और ये जो मॉडल नंबर है EAS330 वायरलेस वोकल माइक। ठीक है, और एक्चुअली इसमें दो मॉडल आते हैं, एक सिंगल और एक डुअल के साथ। तो ये है EAS630E। इसमें स्पेशल क्या है, माइक्रोफोन विद रिवर्ब, इट मींस आपको इको कंट्रोल इसके अंदर ही देखने को मिलेगा। तो फिर एक काम करते हैं, डिटेल्स आपने देख लिए हैं और क्या क्या यूज होता है ये देख लीजिए आप, सिंग इफेक्ट चार्ज। ठीक है, तो डिटेल्स तो आपने बॉक्स के देख लिए हैं, अब चलो इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें हमें क्या क्या मिलता है पहले ये देखते हैं। ये कोई सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें इसके सारे फीचर्स हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके इसको देख भी सकते हैं। और इसके साथ क्या क्या मिलता है हमको, दो ये माइक्रोफोन होल्डर मिलते हैं जिनको आप इस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, तो और क्या मिलता, दो माइक मिलते हैं इसमें, दो माइक में निकाल लेता हूँ, ये अलग रख देता हूँ। दो माइक मिलते हैं और एक ये रिसीवर मिलता है। ये रिसीवर आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। इसका क्या क्या यूजेज है वह मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो फिर चलिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, क्या इफेक्ट आते हैं इसमें, कैसे आप कर सकते हैं इसको यूज़, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रिसीवर में बैटरी ऑलरेडी पड़ी हुई, मैंने एक्चुअली चार्ज की थी। ठीक है, इसमें एक ऑन ऑफ बटन मिल जाता है आपको। ये डीसी चार्जिंग सॉकेट है जिससे आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ये रिचार्जेबल सॉकेट। ये इसका एंटीना है और ये है 6.5 mm का जैक। अगर सपोज आपको 3.5 mm मोबाइल में लगाना है तो सिंपल आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी रिसीवर की बात। चार सेल मिलते हैं, एक इस माइक के लिए, एक इस माइक के लिए। एक काम करते हैं, हम दोनों माइक में सेल डाल लेते हैं, इसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। कंप्लीट टेस्टिंग बताऊंगा आपको, सॉन्ग सुना के, सॉन्ग गा के भी सुनाऊंगा आपको, रिपोर्टिंग करके भी दिखाऊंगा। एक्चुअली मुझे ना सिंगिंग अच्छे से आती है ना रिपोर्टिंग आती है, मैं बस इस माइक का रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका यूज क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने दोनों सेल इसमें डाल लिए। क्या करते हैं, इन दोनों को ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो चुका है, इसमें एक डिस्प्ले है जहां बैटरी चार्जिंग दिखाता है और ये जो नेटवर्क दिखाता है, मतलब रिसीवर से सिग्नल प्रॉपर मिल रहे हैं नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है सब। इसमें क्या करते हैं, हम सेट कर लेते हैं इसका इको, जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो इको सेट का बटन इसमें दिया हुआ है, सेट बटन प्रेस करोगे आप तो जो भी आपको सेट करना है, सपोज आपको इको सेट करना है तो आप सिंपल आप सेट पे जाओ और इको पे जीरो कर दो। ओके, नाउ वॉल्यूम आप यहां से मैनेज कर सकते हो सेट करके, ये आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये माइक मैंने रेडी कर लिया है विदाउट इको। एक काम करते हैं, दूसरा माइक भी ऑन करते हैं हम। सेम प्रोसेस, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम चार्जिंग इंडिकेटर और एक सिग्नल इंडिकेटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका इको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जिससे हमें इको का भी इफेक्ट मिले। तो हमने दो पे सेट कर लिया है। ठीक है, अब यूज कैसे करेंगे। मेरे पास एक्चुअली ये Z Fold है,
तो इसमें तो क्या है, 3.5 mm जैक होता नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास एक सी टाइप टू 3.5 mm का कनेक्टर है, ठीक है। तो मेरे पास कई सारे कनेक्टर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक कनेक्टर है, सिंपल कहीं भी मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन लेंगे ऑनलाइन भी मिल जाएगा। सी टाइप टू ये आउटपुट है, ऐसे हेडफोन लगा सकते हो आप, इसमें आप रिकॉर्डिंग का इनपुट दे सकते हो। अब चलिए पहले हम माइक टेस्ट करते हैं कैसे होता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ये फोन में लगा लेना है। और जो रिसीवर है, अब रिसीवर क्या है, ये 6.5 mm है तो डायरेक्ट लग नहीं पाएगा। हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल ये रिकॉर्डिंग वाले माइक की जगह पे ये 3.5 mm लगा लेंगे, और यहाँ पे हमने रिसीवर लगा लिया और इसको ऑन कर दिया, ठीक है। और ये देखिए आप, इससे कनेक्ट है पूरा, ये माइक मैं इधर रख लेता हूँ। एक काम करते हैं, ये बॉक्स हटा लेते हैं, ये प्रॉब्लम कर रहा है बॉक्स, तो बॉक्स को थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें वॉइस रिकॉर्डर ऑन करूंगा, ठीक है। ये मैंने वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया, अब यहाँ पे लिख के आ गया एक्सटर्नल माइक विल बी यूज फॉर द रिकॉर्डिंग। अब ये माइक मैंने रेडी किया था विदाउट इको, तो हम पहले इसकी वॉल्यूम टेस्ट कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, इसमें कोई इको नहीं है। अब ये सिंपल एक रिपोर्टिंग माइक बन गया। सपोज अभी तो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये सिंपल रिकॉर्ड हो गया है, अब मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अब एक बार इसकी आप क्वालिटी सुनिए किस तरह की है, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, इसमें कोई इको नहीं है। अब ये सिंपल एक रिपोर्टिंग माइक बन गया। सपोज अभी तो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये सिंपल रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो ये तो हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग। इसको आप रिपोर्टिंग माइक कैसे बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको कैमरा ऑन करना है। कैमरा जिसकी भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है, सिंपल वहां पे आप वीडियो सेलेक्ट करके, देखिए मैंने वीडियो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और मैं सपोज मैं इस का रिव्यू देने जा रहा हूँ इसको। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ईस्टर 330 वायरलेस वोकल माइक का, ठीक है। चलिए इसको सुनते हैं कैसे रिकॉर्डिंग आई है। इसको पॉज कर दिया मैंने, यहाँ से प्ले किया, ये देखिए। रिव्यू देने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ईस्टर 330 वायरलेस वोकल माइक का, ठीक। ये तो हो गया विदाउट इको। अब मैंने एक माइक रेडी किया हुआ है, टोटल दो माइक है, ये वाला माइक है, इस पर इको रेडी किया हुआ है। अब चलिए एक बार इसकी वॉल्यूम रिकॉर्ड करके देखते हैं। इसको मैं डिस्कार्ड करता हूं। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। ये मैंने एक सिंपल रिकॉर्ड किया है, इसको सुन के देखते हैं। अभी ये डायरेक्ट मैं मोबाइल से सुना रहा हूं आपको। तलाश में हम मौत पता नहीं इको आया नहीं, शायद मैंने गलत माइक, एक बार इको चेक कर लेते हैं इसका सेट इको। ओके, इसमें इको ऑन नहीं था, दूसरे माइक में ऑन था लगता है, ठीक है। मैंने सेट कर लिया है, अब हम एक काम करते हैं, दोबारा से करते हैं। ये कनेक्ट कर लिया मैंने मोबाइल में, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। जिसका जितना हुआ चल, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, एक काम करता हूँ दोबारा से करता हूँ। जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो, कांटों से भी निभाना पड़ेगा। ये मैंने बेदी को रिकॉर्ड किया, अब इसको हम लोग सुनते हैं क्वालिटी किस कैसी आई है। जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो, कांटों से भी
अभी ये तो मैं डायरेक्ट आपको सुना रहा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एज अ सिंगिंग माइक हम कैसे यूज करेंगे। सपोज आपको गाना गाने का शौक है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सस्ता जुगाड़ आपको बता रहा हूँ। एक ये अल्ट्रा प्रोलिंग की डिवाइस आती है, कुछ 2000 रुपये की आती है शायद। इसमें ब्लूटूथ होता है, यहाँ माइक लगाने का ऑप्शन है, ये लाइन आउट है, ये लाइन इन है। इन सब का क्या क्या यूज़ होता है, किस तरह से आप कर सकते हो, सारी चीज़ें बताऊँगा, बस वीडियो में बने रहिए आप। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे इस अल्ट्रा प्रोलिंग डिवाइस के साथ। कुछ नहीं करना है, अब कनेक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 6.5 mm जैक दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, ये जो कनेक्टर है 3.5 mm हमने अलग कर दिया, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। इस कनेक्टर की अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी वो मैं आपको बताऊँगा। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको हम इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन आउट जो है, लाइन आउट क्या होता है कि अगर आपको आउटपुट किसी डिवाइस में लेनी है, सपोज आपको क्लैरिटी चाहिए साउंड में, तो आप क्या करोगे, मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास एक स्प्लिटर है जिससे मैं क्या करूंगा, सारे कनेक्शन कर रखे हैं, ये स्प्लिटर है, मैं क्या करता हूँ इसको ये लाइन आउट में, एक प्रॉब्लम कर रहा है लाइन आउट में कनेक्ट करने के लिए क्योंकि थोड़ा सा गैप यहाँ पे कम है, तो इसके लिए मैं काम करता हूँ। तो जितने भी कनेक्टर्स आप देख रहे हो ना, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे, अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा कनेक्टर चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। कुछ ये सिंपल एक 6.5 mm कनेक्टर है, स्प्लिटर है, कोई कनेक्टर स्प्लिटर है, ये दो में स्प्लिट कर देता हूँ। मैं इसको एक काम करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ, और ये रिसीवर है इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, सिंपल लगा दिया। माइक तो कनेक्ट हो चुका है इस डिवाइस से, अब हमको क्या करना है, इसकी आउटपुट लेनी है। आउटपुट कैसे लेंगे हम, इसमें एक लाइन आउट का ऑप्शन है, तो लाइन आउट का ऑप्शन मैंने यहां से ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या करना है मुझे, इसकी साउंड मुझे स्पीकर में नहीं, मैं एक काम करता हूं, अभी मेरे पास ब्लूटूथ नहीं है, इसका हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है मेरे पास दो ही मोबाइल हैं, एक से रिकॉर्डिंग हो रही है और एक में आउटपुट चला जाएगा, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं सॉन्ग किस में प्ले करूंगा गाना गाने के लिए, ठीक है, सॉन्ग का हम बाद में देख लेंगे। अगर आपको सॉन्ग के साथ वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं सॉन्ग के साथ भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसकी आउटपुट मोबाइल में लेता हूँ इस डिवाइस के साथ। क्या करेंगे, ये लाइन आउट का स्प्लिटर है तो इसमें आप दो तीन आउटपुट इजीली जोड़ सकते हो। पहले हम क्या करते हैं, म्यूजिक सुनने के लिए सिंपल एक मेरे पास एक छोटा सा स्पीकर है, आप कोई भी स्पीकर ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्पीकर वही चाहिए, क्या बोलते हैं, हाई फाई स्पीकर ही चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ पहले, तो ये मेरा JBL, एक सेकेंड, ये JBL Flip 4 है, एक्चुअली गलत क्लिक हो गया था, JBL Flip 4 है मेरा, ये मैंने पेयर कर दिया, लेकिन मेरे से गलती हो गई, एक्चुअली मुझे ये पेयर नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है पेयर, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपकी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, ये डिवाइस में ऑलरेडी ब्लूटूथ है तो मैं सॉन्ग प्ले करूँगा, मोबाइल से इस डिवाइस में जाएगा, ठीक है, और माइक मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और ये जो आउटपुट है वो मैं क्या करता हूँ, ये स्पीकर है ना, इसमें मैं आउटपुट ले लेता हूँ इसकी, सिंपल इस तरह से, ठीक है, मैंने आउटपुट ले ली, कुछ भी नहीं किया, आउटपुट ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, इस डिवाइस को ऑन करता हूँ, ये डिवाइस मैंने ऑन कर दी, रेडी टू पेयर, अब मैं ये रेडियो टू पेयर आ गया, अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ या कोई कॉपीराइट फ्री प्ले करता हूँ, क्योंकि नहीं तो स्ट्राइक आने का डर रहता है, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, उसी में मैं कोई वॉइस ओवर आपको दे के दिखा दूंगा, ठीक है। ये NCS का म्यूजिक है, ये मैं प्ले कर देता हूँ,
साउंड शायद ओके, साउंड कम थी, ठीक है। ये माइक है, अब इस माइक से हेलो 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 हेलो, इसमें इको नहीं है, इसमें इको है। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई। ये तो एक्चुअली सॉन्ग प्ले हो रहा था, तो क्योंकि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगाया था मैंने, तो क्लियरिटी नहीं आ रही थी। एक काम करते हैं, मैं ऐसे ही आपको, आपको साउंड आ रही होगी शायद, मेरी स्पीकर में एक्चुअली आउटपुट जा रही है, तो यहां से कोई गाना गाते हैं हम। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। एक काम करता हूँ, जो माइक है ना उसको थोड़ा सा स्पीकर के पास रख देता हूँ यहाँ पर, अब कोई गाते हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो ये जो माइक आप है ये इको के साथ है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये दूसरा वाला माइक, इसमें इको चेक करता हूँ, इसमें इको ऑन तो नहीं है, ऑन है, इसका इको मैंने जीरो कर दिया है। मैं एक काम करता हूँ, दूसरे माइक पे आता हूँ, ये है विदाउट इको, इसमें आप कुछ भी, किसी को आपको कोई स्पीच देनी है या किसी का इंटरव्यू लेना है तो आप बेसिक वाला माइक यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई स्पीकर में आउटपुट। अब मैं जो बोल रहा हूँ माइक से वो आउटपुट अगर मुझे रिकॉर्ड करनी है, सपोज मुझे हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग चाहिए, उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल जो आउटपुट मैंने, पता नहीं इससे पहले मैंने जो बोला था आपको सुना या नहीं सुना, क्योंकि माइक एक्चुअली था नहीं मेरे पास। तो हाँ, अब जो इस आउटपुट स्पीकर के अंदर जा रहा है वो आउटपुट आपको मोबाइल में चाहिए, उसके लिए क्या करना है? सिंपल, आपको कुछ ऐसा तरीके, देखिए इन सब चीज़ों में कोई ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर सिस्टम हमें यूज़ करना पड़े, आपको बस तरीका देखना कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हो, यहाँ से देखिए आउटपुट निकल रही है, इस केबल से आउटपुट आ रही है। अब ये आउटपुट अगर हम मोबाइल के इनपुट में दे दें तो वो इसमें किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे ये कनेक्टर है। अब एक काम करता हूँ, इसका आउटपुट मैं इसमें दे देता हूँ, ठीक है। ये मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर तो उसकी ओरिजिनल ही ऑडियो इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक कोई सिंपल सा सॉन्ग ले लेंगे हम, वो इसमें डाल देंगे, या कोई वो ले लेते हैं, कोई ऑडियो ले लेते हैं सिंपल, ठीक है। अब मुझे पता नहीं इको इको वाला कौन सा माइक है, इको वाला देख लेते हैं पहले, इको वाले से एक रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर विदाउट इको वाले से। ये विदाउट इको वाला है, चलिए इसको रहने देते हैं, ये इको वाला है, इससे हम रिकॉर्ड करते हैं। मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने, अब मैं जो भी इससे बोलूंगा वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। अभी कुमार विश्वास साहब की गजल या क्या बोल सकते हैं, कोई पोयम है, वो हम इस पे रीड करते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी वो बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कितना हूं, तुम मुझसे दूर कितनी है, ये मेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल इस पर रिकॉर्ड किया, इसको पॉज करके एक बार सुन लेते हैं। मैं ये क्लिप सेव कर लूंगा और अपलोड कर दूंगा वहां पे, एक बार इसको हटा देते हैं। एक्चुअली इसका ब्लूटूथ ऑन है, तो एक काम करते हैं ब्लूटूथ ऑफ कर लेते हैं पहले, अब सुन लेते हैं, सेव कर लिया मैंने, अब इसको सुन लेते हैं। एक बेसिक रिकॉर्डिंग माइक के साथ आपको दिखा देता हूँ, ओरिजिनल में वीडियो एडिट करूंगा तब इसमें अपलोड कर दूंगा।
अब मैं जो भी इससे बोलूंगा वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, आप क्लियरली क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। अभी कुमार विश्वास साहब की गजल या क्या बोल सकते हैं, कोई पोएम वो हम इस पे रीड रीड रीड। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो ये थी इसके साथ रिकॉर्डिंग, मतलब आप स्पीकर में भी आउटपुट ले सकते हो, मोबाइल में भी आउटपुट ले सकते हो, वीडियो शूट कर रहे हो वीडियो के अंदर इसका आउटपुट ले सकते हो, कई तरीके हैं इसको। आप इन माइक को और ये डिवाइस को आप सिंगिंग कंप्लीट, ये सिंगिंग का एक सेटअप है, बेसिक सा सेटअप है, बहुत महंगा नहीं है, ठीक है। इसके रेट्स अगर आप बोलोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, अगर किसी को परचेज करना है। मार्केट से आप परचेज करोगे ऑनलाइन तो एक्सपेंसिव है, अगर आप मेरे से डायरेक्ट लोगे तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैंने एक्चुअली कई सारे पीसेस लाके रखे हुए हैं, लेकिन अभी तो मेरे पास डुअल एक ही है, सिंगल मेरे पास 8 से 10 पीस पड़े हुए हैं। तो किसी भी दोस्त को भाई को चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही, एक्चुअली काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे इसी डिवाइस को लेके, सिंपल सा एक, या अपनी कार को एक कार स्टूडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो मैं कंप्लीट आपको सेटअप करके दिखाऊंगा। और ये तो माइक आपने देख ही लिए हैं क्या क्वालिटी है इनकी, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिए कुछ इस तरह से, बहुत हैवी क्वालिटी में है, फिनिशिंग रफ एंड टफ है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के, ठीक है। ये सारे कनेक्टर्स, कुछ भी आपको कनेक्टर्स की कुछ भी रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट हो प्लीज़ आप बताइएगा। और ये मेरा एक्चुअली दूसरा वीडियो है टेक्निकल, तो गलतियाँ ऑब्वियस सी बात है कि होंगी, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप सभी का बस ऐसे ही साथ बना रहे, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और जिन जिन भाइयों को सिंगिंग का शौक़ है और बहुत पैसा नहीं है खर्च करने को सिंगिंग के सेटअप पे, तो मैं आपको बेहतरीन सा सेटअप इन्हीं सब चीज़ों से बना के दे सकता हूँ। अगर आप कहोगे तो एक सॉन्ग में रिकॉर्ड कर दूंगा मेरे दूसरे चैनल पे, इस पूरे सिस्टम को यूज़ करके पूरा कंप्लीट वीडियो बना के, तो आप वो भी आप देख सकते हो कि क्या क्वालिटी आती है विदाउट एनी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कार में कैसे सेटअप करते हैं वो सब कुछ बताऊंगा आपको। तो वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, नमस्कार।